ध्यान नहीं रखनी चाहिए। तब मैं बोलूंगा जेट परिणाम, जेट परिणाम की जय हो, जेट परिणाम की जय हो, जेट परिणाम की जय हो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हमें कोई किसी से मतलब नहीं है, हमें जांचें बता दी जाए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। और ये इतिहास में पिछले 5 साल में पहली बार जेट का पेपर अच्छा बनाया, इसके लिए यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद देते हैं। एसकेएन कॉलेज जिंदाबाद, एसकेएन कॉलेज जिंदाबाद। इसके लिए क्या हमने पेपर अच्छा बनाया, लेकिन उस पेपर में कौन से बच्चे बैठे? मैथ वाले। कौन से? मैथ का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेटा अपनी मांगे जायज। आज अगर ये बात दब गई तो आने वाले समय में हर आदमी के मन में एक ही होगा कि लास्ट में बच्चे का फार्म भरवा देंगे, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपन किसके लिए आए? न्याय के लिए। तो आपने जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करना है, आपको कोई भड़काने वाला ही मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अपने पास जो मार्कशीटें हैं उसके ऑप्शन है कि बच्चा कोई किससे पास किया है, एग्रीकल्चर से, और एग्जाम किससे दे रहा है, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो 2 महीने के अंदर इतना एक्सपर्ट हो जाता है वो, और टॉपर बन जाता है। पहले इसकी जाँच करवानी है, इसके लिए अपन यहाँ से अभी यूनिवर्सिटी चलेंगे, वहाँ जाके अपन अपना ज्ञापन देंगे कि हमारी क्या मांगे हैं। तो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कि अपने स्वार्थ के लिए हमेशा सभी विद्यार्थियों को स्वार्थ की सोचनी चाहिए। एक बेईमान आदमी सभी को बेईमान बनाता है। तो अपन को केवल जांच की बात करनी है, निष्पक्षता की बात करनी है, इसके अलावा कोई किसी की बात नहीं करनी है। अपने जेड परिणाम के ऊपर बात करनी है, जेड के परिणाम की निष्पक्ष जाँच हो जाए। जो मार्कशीट हम उपलब्ध करवाएंगे अभी, लेकिन उनकी जाँच करवाओ आप। पहले भी हुआ है सब, आगे भी होगा। देखिए 5-10 मिनट शांति बनाए रखे, 2-4-5 लोग और आ रहे हैं, एक बार अपन वहाँ चलेंगे, वहाँ जाने के बाद अपना काम वीडियो होगा, उसके बारे में शांति से लेंगे, ठीक है। हाईवे के ऊपर नहीं जाना है, इससे ज़्यादा कोर्सिंग नहीं करनी। 2-5 मिनट में और आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं।